जस पंजाबी देखते सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल एंड तुहाडा स्वागत प्रोग्राम हैल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज दे विच। ए प्रोग्राम हर हफ्ते तुहाडे नाल पेश करदे आं। तुहानू ये दसणे कि अगर तुसी फिजिकल थेरेपी दे नाल कोई अपनी बीमारी का इलाज करना तुसी की सहूलत लै सकते हो, खास करके फ्रॉम द फर्म डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज जिन्हां दे डॉक्टर नलेश सोनी सानू ज्वाइन करदे आ ते इस हफ्ते भी साडे नाल जुड़े आ। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर नलेश सोनी ऑफ डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। And to all the viewers, glad to be a part of this dialogue, which we are doing it on a weekly basis. जी एंड डॉक्टर सोनी तुसी एक बारी फिर साडे नाल एक गेस्ट लैके आए हो। मैं जरूर दरख्वास्त करांगी कि तुसी सानू ते सारे दर्शकों नू दसो कि अज इस हफ्ते सानू कौन ज्वाइन कर रहे तुहाडे नाल। आई एम हैविंग अ प्लेजर ऑफ वेलकमिंग डॉक्टर ईशा देसाई, जो हमारे प्रैक्टिस में 10 से भी ज्यादा सालों से जुड़े हुए हैं। Very vast experience in physical therapy. She has done doctorate and she has specialized in vestibular rehabilitation. Vestibular rehab matlab ki aapki balance, aapka girna, ye kaise ruk sakta hai without taking medication and without going for any surgical intervention. Isha is an expert in that. So welcome, Dr. Desai. Ji. डॉक्टर देसाई आपका भी प्रोग्राम में स्वागत। तुहानू दोनों नू मैं ऑफकोर्स दर्शकों नू दसना चाहती हाँ दैट डॉक्टर सोनी दी प्रैक्टिस डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज जो कि न्यूयॉर्क के वक् वक् लोकेशनज विच अवेलेबल है इज़ ओपन। तुसी पेशेंट्स नू इन परसन अपॉइंटमेंट्स लै रहे हो बट तुसी रिमोटली भी कंसल्ट करते हो उन्हां दे नाल। एंड डॉक्टर देसाई नॉर्मली तुसी मैसापीक्वा वाली लोकेशन अवेलेबल होंगे हो, बट Before we get to that, please sade darshakan nu dasso technically edi jo e therapy hai gi tusi dassya it's vestibular rehab, but e tode balance de naal jinna nu kuch cheezan jidda vertigo ya chakkar aande in cheezan de naal deal kardi hai, hor sanu dasso ki e vestibular rehab hundi ki hai। ओके नमस्कार दर्शकों, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर ईशा देसाई चलियावाला है और पिछले 15 साल से आई एम वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट एंड आई एम अ प्राउड टीम मेंबर ऑफ डायनामिक फिजिकल थेरेपी टीम। तो वेस्टिबुलर मैंने वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन में जैसे डॉक्टर सोनी ने बताया स्पेशल ट्रेनिंग ली है। तो जिन मरीजों को जिन लोगों को डिजीनेस बैलेंस इश्यूज स्पिनिंग जो वेस्टिबुलर रिलेटेड वर्टिगो और वैसे डिसऑर्डर्स होते हैं वो पेशेंट्स को मैं काफ़ी समय से वेरी सक्सेसफुली विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशंस या विदाउट एक्चुअली मेडिकेशंस हम लोग सिर्फ वेस्टिबुलर रिहैब से ठीक करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका वेस्टिबुलर सिस्टम है वो आपके अंतर कान से जुड़ा हुआ होता है। तो अंतर कान में अगर पार्टिकल जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अगर वो पोजीशन है उसकी एक पोजीशन होती है वो वहाँ से अगर अपनी निर्धारित पोजीशन से अगर हटके अगर वो जो कनाल होती है उसमें आ जाए और उसमें फ्लोट करने लगे तो वो गलत संकेत देना आपके जो ब्रेन की नसें हैं उनमें गलत संकेत पहुंचाता है और वो जो गलत संकेत है वो उसके कारण आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है आपके दिमाग की जो नसें हैं वो गलत संकेत के कारण आपको चक्कर आने लगते हैं और जो चक्कर आते हैं उसके कारण आपका बैलेंस बिगड़ता है। कई पेशेंट्स को गिडिनेस लगता है, वॉमिटिंग होती है, नौशिया, स्पिनिंग। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा सिर चकरा रहा है या पूरा जो कमरा है वो गोल घूम रहा है। तो बेसिकली ये जो सिम्टम्स है उसको ठीक करते हैं हम वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपी से। जी डॉक्टर देसाई तुसी इत्थे एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल नोट कीती है जो आप पहले भी कवर कीती है इन प्रोग्राम्स दे विच डॉक्टर सोनी दे नाल दैट जो ये फिजिकल थेरेपी दी फील्ड हैगी ए अक्सर इस तरह दे ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकती है पेशेंट्स नू जो नॉन इनवेसिव बिना वक-वक दवाइयां दे या सर्जरी दे उन प्रॉब्लम्स नू ट्रीट करन दी कोशिश करदी है एंड काफ़ी बार सक्सैसफुली तुसी ट्रीट करदे हो पेशेंट्स नू इन चीज़ां नू लैके।
सो ये बहुत वड्डी गल है बिकॉज यू नो खास करके यूनाइटेड स्टेट्स आप इंडियन है सानू इस चीज़ तो थोड़ा वी हैव एन ऑल्टरनेट परस्पेक्टिव बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स लोगों बड़ी आदत हैगी कि तुसी डॉक्टर ते जाओ प्रिस्क्रिप्शन लै लो दवा लै लो या सर्जरी करा लो सो इस स्पेसिफिक हुण गल नू लैके वेस्टिबुलर रीहैब राइट तुसी सानू दस्या कि इहदा कारण की हुंदा है कि तुहाडे जो इनर कनैल हैगी कन दे उहदे विच जदों इंबैलेंस हो जाता है उहदे नाल इह वख-वख चीज़ां हुंदियां ते कॉमन प्रॉब्लम्स किस तरह की देखने को मिलती हैं उन मरीजों को जिन्हें ये चीज़ अफेक्ट कर रही है I'll chime in a bit. दो तीन चीज है एक तो बैलेंस लूज होना आपको वेस्टिबुलर सिस्टम अगर आपका सही नहीं है तो चक्कर डेफिनेटली आएंगे अगर चक्कर नहीं आए तो माइल्ड सिम्टम्स में आपको आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो जैसे आप एक वॉकिंग सरफेस से इवन सरफेस से अनइवन सरफेस पर जाओ या आप सोचो घर से निकलकर आपके कर्व पर चलो या कोई स्लोप आ जाए या अनइवन सरफेस आए तो आपका बॉडी जिसको रिएक्ट करता है वो रिएक्शन सही नहीं होगा अच्छा। दूसरा ईशा डॉक्टर ईशा बता रही थी कि आपको ये चक्कर आना तो चक्कर आना वो आपका व्हीकल चलाना अफेक्ट करेगा आपका मूवमेंट अफेक्ट करेगा आपका बिस्तर से बैठना अफेक्ट करेगा सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गेट अफेक्टेड बट आई वुड स्ट्रेस दैट देयर आर वेज ऑफ गेटिंग ट्रीटेड देयर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस है ऐसी टेक्निक्स है जो डॉक्टर देसाई थोड़े डिटेल्स में बताएंगे जिससे वो विदाउट मेडिकेशन आप ठीक हो सकते हो और उसमें वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ईशा Yes, exactly. You know, I will elaborate on that. कि ये बारे में जो वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपी है unfortunately, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है There is a lack of awareness कि सिर्फ एक ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत ही कम समय में वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड बहुत ही कम सेशंस में बहुत सक्सेसफुली इसको थेरेपी से ठीक कर सकते हैं तो जैसे बहुत लोग बताते हैं कि पेशेंट जब क्लिनिक में भी आते हैं तो बताते हैं कि उनको जब वो गाड़ी चला रहे हैं अचानक से दाएं या बाएं सिर जब घुमाते हैं या नीचे झुक के लेडीज जब काम करते हैं वैक्यूमिंग करते हैं या फिर ऊपर देख अचानक से ऊपर देख के जब सामने देखने लगते हैं उनको एकदम से चक्कर आने लगते हैं जैसे डॉक्टर सोनी ने बताया करवट लेने पे चक्कर आना या फिर लेटे हुए हो और सीधे बैठने में अगर चक्कर आना तो ये सारी जो समस्या है उसका सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं पेशेंट्स के पास कि सबसे पहले वो लोग फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियंस यूजुअली पेशेंट के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जैसे जो आपके लक्षण है उसको थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकते हैं वेस्टिबुलर सप्रेसेंस से जैसे बेंजोडाइजेपिन होते हैं एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस जैसे मैक्लिजीन तो आपको बहुत कम समय तक जब तक उसकी इफेक्ट रहती है मेडिकेशन की आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा लेकिन वेस्टिबुलर रिहैब से आपको जो रूट कॉज है आपकी जो तकलीफ है उसका अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है क्योर करना है तो आपको ज़रूर वेस्टिबुलर रिहैब करना चाहिए उसकी थेरेपी करनी चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि चलो दवाई ले ली थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया लेकिन आप वापस अपने काम में लग गए वापस आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपको चक्कर आए एंड इट्स वेरी डेंजरस आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है तो वो रिलैप्स ना हो उसके लिए आपको ये थेरेपी की अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरी है So let me add up ki yeah definitely medications have a role we acknowledge that but if you are looking for a long term solution and you're looking to avoid taking too much medication then I think vestibular rehab is the right way of doing it agar aapko we cannot discount medical interventions however going to the root cause and doing that treatment naturally that is what we advocate as a practice and I feel a lot of people from our country hamare desh se bahut sare log including my own mother wo log hum log yahi kehte hai ki jitni dawaiyan kam lo itna acha hai to hum yahi sort of advocate karte hai ki
बन सके तो आपको कम दवाइयों में ठीक करें जी। एंड डॉक्टर देसाई तुसी सानू ये भी दस्या कि जो ऑफ्टन टाइम तुहानू देखने नू मिलदा पेशेंट्स दे विच कि वो होर डॉक्टर्स या जिद्दा तुहाडा जनरल प्रैक्टिशनर उन्हां तों रेफर होके आंदे, वी हैव अ वंडरफुल वीडियो कि एक होर डॉक्टर ने टेस्टिमोनी दित्ती है तुहाडी सर्विस लई, तुहाडी प्रैक्टिस लई, सो मैं जरूर दर्शकां नाल उह शेयर करना चाहवांगी। यह हैगी एक डॉक्टर दी टेस्टिमोनियल अबाउट दिस थेरेपी, डॉक्टर पद्मजा राधना, जो इस चीज़ नू लैके कुछ लव साथ नाल शेयर करना चाहते हैं जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मजा आराध्या, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट इन मैसापीक्वा। आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विथ वर्टिगो, विच इज बेसिकली डिजीनेस, रूम स्पिनिंग सेंसेशन, एज वेल एज ओल्डर पीपल विद लॉस ऑफ बैलेंस एंड कंडीशंस लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज इंड्यूस्ड और अदरवाइज। I refer my cases to Dr. Isha Desai, who does vestibular rehabilitation and gait therapy. Patients have done remarkably well. They have always praised Isha for her professionalism and kindness to them. I intend to continue prescribing gait therapy and vestibular therapy to my patients. As it is the only modality which helps them the most. सो ये सीगे डॉक्टर पद्मजा आराधना, एक न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने ये टेस्टिमोनी शेयर की साढ़े नाल। इतने एक छोटी जी ब्रेक लिखते हैं, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर देसाई तुसी कितने ना जाओ, व्यूअर्स तुसी भी इस तरह जुड़े रहो, प्रोग्राम बिल्कुल लाइव तारे नाल इस तरह जारी रखांगे ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद सारे दा स्वागत है, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज लाइव, एंड थानू जॉइन कर रहे इस प्रोग्राम दे विच डॉक्टर नलेश सोनी ऑफ डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, एंड उना दे नाल उना दी कॉलीग मिस ईशा देसाई। डॉक्टर देसाई, डॉक्टर सोनी, तुहानू दोनों नू स्वागत प्रोग्राम दे विच। डॉक्टर सोनी, तुहाडी प्रैक्टिस डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज न्यूयॉर्क दी वख वख लोकेशंस विच ओपन हैगी, तुसी पेशेंट्स नू एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड डॉक्टर देसाई जो कि वेस्टिबुलर रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, तुहाडी टीम दे विच लगभग 10 सालों तो जुड़े हुए हैं, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज जो तुसी इस फील्ड विच लैके आ रहे हो, खास करके उन पेशेंट्स लई जिद्दां तुसी सानू डिस्क्राइब किया कि ये किस तरह की ट्रीटमेंट है, किस तरह की ये प्रॉब्लम हैगी। आपां पहले गल कर रहे सी कि किस तरह की अगर तुहानू ये प्रॉब्लम तुसी फेस कर रहे हो, किस तरह लगती है, राइट, तुहानू चक्कर आते हैं, तुहानू बैलेंस दे इशूज हैं, अगर तुसी उठ के खड़े होंदे हो छेती, तुहानू फील हुंदा है अजीब जा, सो इहदे तुसी कुछ थैरेपी सर्विसिज सानू दसियां सी। मैं चाहवांगी कि तुसी सानू हुण दसो कि जो पेशेंट्स तुहाडे क्लिनिक च आ रहे हैं जिन्हां नू ट्रीट तुसी कर रहे हो इस चीज़ लई वेस्टिबुलर रीह ਹੈਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? Especially, you know, I have special training in rehabs, vestibular rehab. तो बहुत ही successfully हमने मैं काफी time से ऐसे patients को जिनको vertigo और balance के issues है उनको बहुत successfully treat कर रही हूँ, जिनको भी symptoms है उनको बहुत कम समय में very less number of sessions में, और कई patient को तो instant relief मिल जाती है जिनको एकदम से चक्कर आ रहा है, giddiness लग रहा है, तो जब जो हम लोग maneuver करते हैं, जो पार्टिकल रीपोजिशनिंग प्रोसीजर करते हैं, इससे कई पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, और उसके बाद जो बैलेंस द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज बैलेंस रीट्रेनिंग, ये ब्रेन डेर ऑफ एक्सरसाइजेस है, आई एक्सरसाइजेस है, हेड मूवमेंट्स है, वो करवा के पेशेंट्स को वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेशंस में रिलीफ मिल जाता है, एंड वी आर क्योरिंग द प्रॉब्लम, इट्स नॉट जस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ, इट्स नॉट लाइक अ शॉर्ट टर्म रिलीफ। So I will add up. Hamara overall we are able to tackle such balance issues under 12 visits. Actually, on an average, every patient's conditions are different. But Dr. Desai is very modest. Many patients have been, you know, helped for in. But on an average, between under 12 sessions, we are able to significantly alter the patient's symptoms for the better. So with a give and take, a patient with severe or significant vestibular issues will undergo such training for 8 to 10 months.
सो एक से डेढ़ महीने में ऑन एन एवरेज पेशेंट विल बी रिकवर्ड फुल्ली, और इंस्टेंसेस भी है जिसमें एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते में पेशेंट ठीक होया होगा। यस, पेशेंट ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसको टू मेंटेन दैट पेशेंट हैज टू लर्न द हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस, ताकि उनको ये जो रिलैप्स ना हो, बार बार उनको ये जो चक्कर आने का है प्रॉब्लम, ये रिलैप्स ना हो वर्टिगो का और स्पिनिंग का जो एपिसोड है। जी जी, डॉक्टर सोनी, मैं इतने जरूर एक बार फिर एक गल रिपीट करना चाहवांगी व्यूअर्स लिए कि फिजिकल थेरेपी कितने डिफरेंट तरह की एक मेडिसिन प्रोवाइड करती है लोगों ले, रिलीफ प्रोवाइड करती है, जिथे कॉमन मेडिसिन तुहानू शायद कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या दवा या सर्जरी ऑफ्टन टाइम्स तुहानू ओ लैनी पैंदी है क्योर करन लई। फिजिकल थैरेपी एक इहो जी फील्ड हैगी जो तुसी लोकां नू सिखांदे हो कि किस तरह उन्होंने मेनटेन करना है अपनी हैल्थ नू, राइट? अगर कोई तुहाडे नाल आ रहा है तुहाडा पेशेंट बन के, तुसी उन्हां नू ना के सिर्फ ट्रीट कर रहे हो अपने ऑफिस दे विच, अपने क्लिनिक्स दे विच, बट तुसी उन्हां नू जिस तरह डॉक्टर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਪਕੀਪ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਲ ਆਵਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੂ ਸਕਸੀਡ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਆਵਰ ਹੈਲਪ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ सिखाना चाहते हैं, पेशेंट सही तरह सीखे और फिर उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरा यूज करे, तो दे विल बी हैविंग ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। जी, एंड डॉक्टर सोनी, आई आल्सो वांट टू टेल अपने व्यूअर्स, मैं दसना चाहती हूँ कि तुहाडी ऑफ कोर्स तुहाडी क्लिनिक सारियां ले ओपन है, बट तुसी खास करके ट्रीट करदे हो जो अपने बुजुर्ग अपने एल्डरली पेशेंट्स हैं, तुहाडी स्पेशलिटी है जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी। सो जदों लोग इस उम्र च आ जाते हैं, अगर आप वेस्टिबुलर रीहैब की गल कर रहे हैं, ये किन्नी कॉमन हैगी इस एज ग्रुप दे विच जिदा तुसी अपने पेशेंट्स विच देख रहे हो? Yeah, so Ashmita, मतलब you are absolutely right. When you are older, वो जो बुजुर्ग वर्ग है उनमें vestibular और balance की problems बहुत ज़्यादा होती है, hearing loss होता है, acoustic neuroma जैसी problem होती है, लेकिन in general भी आप जो disorder जो common balance की problem है, जैसे बुजुर्ग में ear इन्फेक्शन होना या साइनस की प्रॉब्लम होना, या बुजुर्ग अगर बैलेंस हटने से गिर जाते हैं, कंकशन होता है, हेड इंजरी होता है, या बुजुर्ग वर्ग में आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर एकदम से ज़्यादा हो जाना, एकदम से कम हो जाना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना, नेक की प्रॉब्लम ओल्डर पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, उसके लिए भी पेशेंट्स की बैलेंस बिगड़ सकता है, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसंस डिजीज है या स्ट्रोक जैसे लकवा होना जिसके कारण दिमाग में खून कम पहुंच रहा है, तो ये सब कारण है कि एल्डरली पॉपुलेशन इज एट रिस्क फॉर हैविंग बैलेंस एंड वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। जी, एंड मैं सारे नु दसना चाहूंगी, अगर तुसी इस चीज ले या किसी होर कंडीशन ले फिजिकल थेरेपी खास करके डॉक्टर सोनी डायरेक्टली रब्ता कायम करना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर लिखी हुई, बट डॉक्टर सोनी ये तुहाडी मैसअप पीकुआ लोकेशन की आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं बिकॉज डॉक्टर देसाई उत्थे बैंदे, बट तुहाडे वक वक होर क्लिनिक्स कितने अवेलेबल हैं न्यूयॉर्क में? So we have offices in South Ozone Park, we are in Richmond Hill, South Richmond Hill, Glen Oaks, Flushing, and आज हम ब्रॉडवे मैसअप पीकुआ का एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हैं बिकॉज आई हैव great I'm proud of Dr. Desai's skills, and she really puts her heart into taking care of vestibular rehab patients. So sach mein agar kisi ko vestibular issues ho, so they can come to any office, but I think the best justice will be done if they go to our Masapequa location and meet Dr. Desai, and I can tell with pride that they will not be disappointed. They will be really happy that they found her. And वो हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा पंजाबी बोलते हैं, and but she does everything with love. And she makes sure that the patient gets
results from us. जी, and speaking of Punjabi, तोड़े staff which होर work work Punjabi speaking team members हैं, तोड़ा मतलब ये unofficial motto जाएगा that you speak everyone's language, right? So Punjabi speaking staff भी है तोड़ा, Hindi speaking and होर work work languages of course तुसी cater कर दे हो. Dr. Soni, Dr. Desai, समा साड़े को ज़्यादा नहीं रह गया, but मैं जानते जानते ये ज़रूर तोड़े तो पूछना चाहती हूँ, अगर इस तरह की कोई condition साड़े किसी viewer नू महसूस हो रही है, उन्होंने कन्फर्म नहीं है कि मैनू यही प्रॉब्लम हैगी, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਯਾ ਅਸ਼ਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੋ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਨੌਸ਼ੀਆ ਜੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ. तो मैं दर्शकों को ये माध्यम से ये ही गुजारिश करूंगी कि अगर आपको खुद को, आपके परिवार में किसी को, आपके फ्रेंड्स में, आपके जान पहचान के लोगों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस या चक्कर आना, स्पिनिंग सेंसेशन जैसे भी आपको अगर हो रहा है, तो तुरंत आप एक ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट जो वेस्टिबुलर रिहैब कर रहे हो, जैसे कि मैं, यू नो, यू कैन वेरी वेल राइट अवे कॉन्टैक्ट अस. एंड हम लोग जो मासापिको ऑफिस है वो हिक्सविल से बिल्कुल 5-10 मिनट की दूरी पे ही है. एंड वी कैन विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. बट अवेयरनेस, एजुकेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो दैट वी कैन वेरी सक्सेसफुली ट्रीट such symptoms. And speaking of successful treatment, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ. My name is Janet Barry. I'm at Dynamic Physical Therapy. When I first came here, I had been in the hospital. I almost passed out twice with severe nausea and dizziness, heart palpitations, and I wasn't able to do much at home. I couldn't lean over, I couldn't lay flat, I couldn't reach up high, even in the store. I would feel dizzy and lightheaded, and the exercises here have helped me so much. I feel much better now. Isha's been wonderful, right, personally, and helping me with the vestibular therapy. ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ, ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾ ਦਿਸਾਈ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਆਫ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 7 PM ਈਸਟਰਨ ਸ਼ਾਰਪ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ. ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਵੀਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.